महाभुतला द्वितीया और 26 जनवरी हमारा भारत का 71वां गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व भी है। और आज के दिन भगवान ने वासुदेव भगवान ने चंपापुर में दिव्य केवल ज्ञान को प्राप्त किया, अपनी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्र परमात्मा बनाया। भगवान ने अपनी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्र परमात्मा बनाया तो पूर्ण रूप से उनकी दिव्यधनि गिरी और उनकी वाणी द्वासांग रूप में गणधरों ने दी और वो वाणी आज तक भगवान सत्य से लेकर भगवान वासुदेव आदि के सोलह तीर्थकर भगवान शांतिनाथ और भगवान महावीर से लेकर आज तक वही वाणी भगवान की अखंड वाणी हो चली आ रही है। जिन वाणी भगवान सबसे पहले भगवान सत्यदेव ने ज्ञानेश्वरी दीक्षा कहाँ दी है? कहाँ दी है मनोज जी? कहाँ दी है दीक्षा? प्रयाग में। सबसे पहले भगवान सत्यदेव ने जहाँ दीक्षा ली उसका नाम प्रयाग हो गया। पहले प्रयाग नाम नहीं था, समझे? एक उद्यान था बहुत बड़ा और राजधानी का एक हिस्सा था। जहाँ दीक्षा ली उसका नाम प्रयाग हो गया। प्रकट हुआ कृतज त्याग प्रयागस्तेन के कृता। तो भगवान ने सबसे पहले केशव त्याग किया है प्रयाग में और केवल ज्ञान भी 1000 वर्ष बाद प्रयाग में भगवान ने प्राप्त किया। तो केवल ज्ञान भूमि दीक्षा भूमि प्रयाग और इस परंपरा में तीर्थंकर परंपरा में भगवान शांतिनाथ भगवान कुंद्रनाथ और भगवान अरेनाथ तीनों भगवान यहाँ जन्मे हैं। तीनों ने यही जैनेश्वरी दीक्षा लेकर प्रथम केशव किया है। ये वो पवित्र भूमि है, भगवान के केशव की भूमि है, भगवान शांतिनाथ के केशव की भूमि, भगवान कुंद्रनाथ के प्रथम केशव की भूमि और भगवान अरेनाथ के प्रथम केशव की भूमि। और दिव्य केवल ज्ञान भी भगवान को यहीं पर प्रकट हुआ है। दिव्य सुदर्शन की रचना यहीं पर बनी। ये सब इतिहास, ये सब जैन वाक में आज हमें जिनवाणी के माध्यम से महापुराण उत्तर पुराण के माध्यम से विधि होता है। अब हम आपको ले चलेंगे समय की ओर। अभी पालकी यात्रा हुई नासिक में 22 अक्टूबर 2018 में। आपने अपने राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद को आमंत्रित करके वहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने आपकी कमेटी के लोगों ने मिलकर के बहुत बड़ा आयोजन किया और राष्ट्रपति से विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कराया था, उद्घाटन कराया था। तो ये विश्व शांति वर्ष मैंने घोषित किया। विश्व शांति वर्ष के उपलक्ष्य में ये अभी टिकैत नगर में पूरे 100 दिन तक लगातार 101 दिन तक ये विश्व शांति पालकी यात्रा होती है। पूरे 101 दिन तक चली है। लोग घरों में ले गए, मकानों में ले गए, भगवान का अभिषेक किया, ठाठ से खूब घर को सजाते थे और रिश्तेदारों को खूब बुला बुला करके बाजे बजा करके उत्सव मना रहे थे। और उसके बाद दुकानों दुकानों में ले गए, अपने अपने मिलों में ले गए, कोई शुगर मिल में कहीं भी खींची की और राइस मिल में ले गए जगह जगह। 101 दिन तक वहाँ उत्सव होता रहा विश्व शांति पालकी यात्रा। और अयोध्या में फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को आचार्य श्री वीरसाली महाराज का 99वें वर्ष पूर्ण में दीक्षा के 100वां वर्ष हुआ है। तो उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष मनाते हुए हमने वहाँ दीप प्रज्वलित कराया, आप लोगों ने दीप प्रज्वलित किया था। वहाँ से आचार्य श्री शांति सारी महाराज की पालकी यात्रा भी चल रही है। विश्व शांति भगवान शिवदेव की यात्रा और विश्व शांति वर्ष के अंतर्गत
शांतिशाली महाराज की मेरी इच्छा शताब्दी वर्ष की आचार्य शांतिशाली महाराज की। तो आज जो है यहाँ पर पालकी में भगवान को विराजमान करके और आचार्य श्री की प्रतिमा को विराजमान करके ये पालकी यात्रा निकाली गई जिसे जम्मू जी की तीन फेरी लगाई है। और यहाँ भी अभिषेक होगा, पुनः पीछे मंदिर में विराजमान ओम मंदिर, वासुपुज मंदिर, भगवान शांतिनाथ का मंदिर, कुंतनाथ का, तीन चौबीसी तीन भगवान का मंदिर, वहाँ भी अभी अभिषेक होगा। तो भाग्यात्माओं बात यह है कि आज गणतंत्र के दिवस में हमारा संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान के बारे में हम चर्चा करें तो उसमें सबसे बड़ा एक संविधान है जो सभी धर्मों को स्वतंत्र अधिकार, अपने अपने धर्म को पालन करने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। अपनी स्वाधीनता से अपने धर्म का अच्छी तरह से अच्छा पालन करें, कोई किसी को उसमें रुकावट ना डाले। एक समय बीच में ऐसा भी आया है कहीं पर कि अगर जैन अपने को जैन कह दें तो उनको ईंट में चुना गया है दीवार में और उन्हें जीवित चिनाई कर दी गई, हमको दीवार में चिन दिया गया, समझे। एक समय ऐसा आया है धर्म का, धर्म विद्वेष का, जैन धर्म के विद्वेष का एक ऐसा समय भी आया है, समझे। जब मदुराई की तरफ, दक्षिण की तरफ तो जैन कहते उसे दीवार में ईंटों से चिन दिया गया और जिंदा उसे जीवन ईट चिन करके दीवार उसके ऊपर खड़ी कर दी। ऐसा समय भी आया धर्म के विद्वेष का। और आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारा भारत स्वाधीन हुआ, उसमें हमारे जैनियों ने भी कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आप बलि वेदी पे चढ़े हैं, फांसी पे लटके हैं, उनकी कथा पुस्तकों में जीवंत है, लिखी है, कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, रोमांच हो जाता है। हमारे जैनियों ने भी आहुति दी और आज 71 वर्ष हुए, हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे भारत में ऐसा संविधान लागू हुआ है जिसमें जैनियों का भी सहयोग रहा है। क्या अम्बेडकर जी ने आगे होकर के उनका नाम विशेष रहा, ठीक है, लेकिन हमारे बैरिस्टर चंपत राय ने बहुत बड़ा अपनी अहम भूमिका निभाई थी जैनियों के लिए संविधान में भी, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन और बहुत कुछ उसे नियमावली जैनियों के लिए भी सम्मिलित की गई, समझे। बैरिस्टर चंपत राय जी बताते हैं, आप सबको मालूम है। और यह हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में मेरठ तो केंद्र बना था, सुन मंगल पांडे आदि से। तो बात यही है कि ये वो वीर भूमि है। तो आज के गणतंत्र दिवस पर हमें आप लोगों से यही कहना है कि अपने संविधान को जो भारत में लागू हुआ उसके अनुसार अपने धर्म को स्वाधीनता से पालन करने का हमको सबको अधिकार मिला है और हम लोग स्वतंत्रता से स्वाधीनता से अपने जैन धर्म का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। जब मैंने घर छोड़ा था 1952 में केवल 70 साधु थे, ये मयूर पंख के पीछे धारण करने वाले कितने थे नोट कर ले जाना, 70 थे। और आज कितने हैं, 1650 से अधिक साधु हैं मयूर पंख के पीछे को धारण करने वाले। कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई। उस समय हमारे ग्रंथों का प्रकाशन नहीं हुआ था, आज ग्रंथ छपने लग गए, तो आज कितने ग्रंथ छपे हैं, करोड़ों नहीं कितने ही करोड़ ग्रंथ छप गए हैं जैनियों के, करोड़ों करोड़ों ग्रंथ छप गए। आपकी जैन ग्रंथ द्वारा भी ज्ञानदेव ग्रंथ द्वारा ने ही कई लाख ग्रंथ छपा दिए, 50 लाख ग्रंथ, 25 लाख ग्रंथ यहाँ से छप चुके हैं। और विचार करके देखा जाए तो तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास हुए, आज ये हसनापुर जहाँ रात में आने को लोग डरते थे, आज यहाँ 24 घंटे चाहे जब चाहे जो गया जाए कुछ भी डर नहीं है, सब निराबाद होकर वितरण करें। जम्मू जी के निमित्त से, जम्मू जी ज्ञान ज्योति भ्रमण के निमित्त से, और ये भूगोल जैन भूगोल अगर साकार हुआ है भारत में, विश्व में कहीं भी आप जाकर देख लो, अगर जैन भूगोल साकार हुआ है तो आपके हसनापुर में यहाँ पर साकार हुआ है, हसनापुर में साकार।
जम्बू जी सुमेरु पर्वत तेरा जी फिरंदा तीन लोग की रचना आगम के पद प्रेक यहाँ बनी है। ओम मंदिर ग्रीम मंदिर यहाँ बना है। आगम के परिप्रेक्ष्य में कमल कमल खिला हुआ कमल जिसे भगवान महावीर खड़े हैं, कमल के अंदर कमल के भीतर भी राज रहे महावीर। ये अद्भुत रचनाएं ध्यान मंदिर जहाँ मंदिर के ऊपर में बगीचा लगा हुआ घास लहरा है, कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा वैभव। सारे भारत में हम घूम कर आए, राजधानी दिल्ली में आधा भारत तो हो ही गया, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और इधर बुंदेलखंड गुजरात और मुंबई राजधानी में चौमासा करके आए, घूम कर आए। लेकिन जो यहाँ का जो वैभव है, जो यहाँ की रचनाएं हैं विश्व में अनूठी अद्भुत और महान, आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग स्वतंत्र हुए हैं भारत में, स्वतंत्र नहीं हुए हैं, जैनी चर्या से साधु बधे हुए हैं। 28 गुण गुणों में हमारा एक गुण गुण है केशवध करना, समझे क्या, लिख कर ले जाना। 28 गुण गुण का पालन हम करते हैं, उसमें केशवध एक गुण गुण है। किसने बताया है, गौतम सामने मद समिन दे लोधो लोचो आवश्य चल मानव किन्द सहन वगंतौनम किन्द होयन वे नक्षते ये देख मूल गुणा सम्राणम जिन मरे पंडत्ता। श्रवणों के लिए श्रवणी के लिए जैन मुनि और आरिकाओं के लिए 28 गुणों का वर्णन भगवान महावीर ने किया और खुद कुंद देव ने मूलाचार ने किया। उसी के अनुसार केतु जो हमारा मूल गुण है, इसको अभी हम लगभग 3.5 महीना हुआ केंद्र करके, ठीक है, नगर में बाजार में हमारा केंद्र कराया गया था बाजार के लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, धर्म उसके बाद यहाँ हुआ है। भगवान पाओ तो आज गणतंत्र दिवस पर हमें इतना ही कहना है कि हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद ने आज अपने पूरे भारत का वैभव अवलोकित किया। क्या विभूतियाँ हैं दिखा जा रही थी, थोड़ा बहुत हमने भी देखा है टीवी के माध्यम से, अपने यहाँ कितने यंत्रों के आविष्कार हुए हैं जो दुश्मनों के सामने अपने भारत की रक्षा करने में सक्षम समर्थ है। ऐसे ऐसे अपने भारत कितना शक्तिशाली समृद्धशाली बन रहा है। बातें हैं, आवश्यकता है आज कि कोई देश हमारे देश पर आक्रमण न कर पाए। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत के ऊपर अगर कोई आक्रमण कर दे तो अपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा है। तो हमारे राष्ट्रपति के लिए, नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए आज इस मंगल अवसर पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद परोक्ष से ही। और हमारे आदित्य योगी के लिए जो अभी गंगा यात्रा के लिए उनका जिनका अभियान चल रहा है उनके लिए मंगल आशीर्वाद, जो अयोध्या शाश्वत अयोध्या के विकास में अहर्निश अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे आदित्य योगी के लिए आशीर्वाद, राष्ट्रपाल के लिए, सभी के लिए, हमारे सभी शासक वर्गों के लिए आशीर्वाद। और साथ ही आज खास करके जो हमारे भारत को स्वतंत्र बनाने में जो शहीद हुए उनके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामना कि आगे उच्च गति प्राप्त करें हमारे वीर शहीद। और जो आज सीमाओं पर खड़े हुए हमारे वीर सपूत, सीमाओं पर खड़े हुए वीर सपूत, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद परोक्ष से कि उनका मनोबल हमेशा बढ़ता ही रहे और अपने देश की रक्षा में, अपने धर्म की रक्षा में, अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा में हमेशा सजग रहे, सावधान रहे। हमारी अगली पीढ़ी के लिए, बाद पीढ़ी के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, बच्चों बताओ भारतीय संस्कृति क्या है, अहिंसा परमो धर्म। भारतीय संस्कृति क्या है, अहिंसा परमो धर्म हमारी भारतीय संस्कृति है। जियो और जीने जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कहीं कोई नारा लगाते हैं क्या कि मरो और मारो, मरो और मरने दो, लगाते हैं क्या, कहीं भी नहीं लगाते हैं, क्या नारा लगता है हमारा, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये हमारा नारा है। अहिंसा हमारी संस्कृति है,
हमारी भारतीय संस्कृति अहिंसा, हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा जीवंत रहे, हमेशा हमेशा जीवंत रहे, हजारों हजारों वर्ष तक जीवंत रहे और दिवंगत व्यापी बने और शासन के लिए, प्रशासन के लिए, सभी लोगों के लिए और यहाँ पर जितने भी हमारे उपस्थित महानुभाव हैं सबके लिए और सभी कर्मचारी जैन नानजैन कोई भी हो सबके लिए मंगल आशीर्वाद और पूरे भारत के हर संप्रदाय के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर जाति और हर संप्रदाय वालों के लिए, सबके लिए आभार गोपाल के लिए, पूरे भारत के लिए हमारे आभार गोपाल के बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग अहिंसा धर्म में विश्वास करते हुए अपने जीवन को समुन्नत बनाए और पूरे विश्व के लिए मंगल आशीर्वाद। सब लोग अपने जीवन को समुन्नत बनाए, अहिंसा परमो धर्म की विजय हो, इसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।